पंजाब नेशनल बैंक आज अपनी स्थापना के 125वें वर्षगांठ मना रहा है, जिसके तहत सभी 7000 शाखाओं द्वारा 10 करोड़ से अधिक ग्राहकों के साथ और मजबूती से जुड़ने के लिए संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए दृढ़ निश्चय है। मंडल कार्यालय हमीरपुर तथा अग्रणी जिला कार्यालय ऊना में आज इस उपलक्ष्य पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मंडल कार्यालय हमीरपुर में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन जिला उपायुक्त ऋचा वर्मा द्वारा किया गया। सन 1895 में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित पंजाब नेशनल बैंक आज अपनी स्थापना के 125वीं वर्षगांठ मना रहा है, जिसके तहत सभी 7000 शाखाओं द्वारा 10 करोड़ से अधिक ग्राहकों के साथ और मजबूती से जुड़ने के संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए दृढ़ निश्चय है। मंडल कार्यालय हमीरपुर तथा अग्रणी जिला कार्यालय ऊना में आज इस उपलक्ष्य पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मंडल कार्यालय हमीरपुर में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन जिला उपायुक्त ऋचा वर्मा द्वारा किया गया। रक्तदान शिविर का आयोजन जोनल अस्पताल हमीरपुर के डॉक्टर राकेश कुमार एवं उनके सहयोगियों की देखरेख में किया गया। इसी कड़ी में मंडल की विभिन्न शाखाओं में स्वास्थ्य जांच शिविर तथा ग्राहक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्राहकों, वरिष्ठ नागरिकों एवं पंजाब नेशनल बैंक के सभी स्टाफ द्वारा बढ़ चढ़ कर भाग लिया गया। हमीरपुर मंडल के अंतर्गत 3 जिलों हमीरपुर, बिलासपुर एवं ऊना की सभी 94 शाखाओं द्वारा स्थापना दिवस पर अपने वरिष्ठ ग्राहकों को सम्मानित किया गया तथा पेंशनर सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंडल प्रमुख के तारनिया ने बैंक के इतिहास एवं प्रगति पर प्रकाश डाला एवं आगे भी बैंक द्वारा ऐसे योगदान देने का आश्वासन दिया। से आज 125वां स्थापना दिवस हम मना रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक देश भर में मना रहे हैं। इसमें यह है कि 12/4/1895 को पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने सोचे कि स्वदेशी बैंक कोई नहीं है भारत में, इंडिया में, तो वो एक की जरूरत था, तो उन्होंने और उनके कुछ साथियों ने मिलकर ये स्थापना किया था। आज 125वां जो स्थापना दिवस है उसको हम इसमें मना रहे हैं कि हम पुरानी चीज को भी याद कर रहे हैं और आगे कैसे बढ़ेंगे, दोनों चीज को मिला के आगे चल रहा। पंजाब नेशनल बैंक में प्रॉब्लम आए थे लेकिन सबको हमने पीछे छोड़ के आगे जाने के लिए ये किया। जैसे विश्व युद्ध में, पहले विश्व युद्ध में और ग्रेट डिप्रेशन 1930 में भी प्रॉब्लम आए थे, उसको भी झेल के गए। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम था जब पार्टीशन हुआ 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद, पाकिस्तान में जो हमारे खाताधारक थे सब लोग छोड़ के भारत आ गए, तो उनके पास हमने बैंक भी वहाँ छोड़ के आ गए, ब्रांचेस कोई भी हमारे पास रिकॉर्ड नहीं थे, तो उनके पास पासबुक या जमा स्लिप जो भी थोड़ा बहुत कागज था उसकी बेसिस में हमने उनको पैसा दे दिया। और इसको इसके चलते बैंक तब घाटा में चल गया था क्योंकि कुछ लोग मैंने पेमेंट्स बहुत हो गए और वहाँ के जो लोन्स वोन्स थे वो सब खराब हो गए, हमने कुछ भी वहाँ से लेके नहीं आ पाए, लेकिन सारे पैसा हमें लौटाना पड़ा। लेकिन बैंक फिर भी उससे भी उभर के आया और जो भी प्रॉब्लम आया, जैसे लास्ट ईयर भी कुछ प्रॉब्लम आए थे, हमने रिकवरी में जोर दिए, तो वो सारे घाटा को हमने एक साल में ही बड़े घाटे को पूरा कर दिया है। और अभी दिसंबर क्वार्टर में प्रॉफिट आ गया है, मार्च क्वार्टर में उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। फिर भी हम निरंतर सेवा देते रहेंगे। हम जैसे पंजाब नेशनल बैंक जो कोर बैंकिंग सोल्यूशन होता है, जो हर बैंक एक ही सर्वर से जुड़ा रहता है, बैंक की हर ब्रांच, वो पहले सबसे पहले इंडियन बैंक्स में पंजाब नेशनल बैंक ही लाया था। बहुत ऐसे टेक्नोलॉजी रहते हैं जो पंजाब नेशनल बैंक ही पहले लाता है इंडिया में, तो वो हमारा निरंतर ये चलता रहेगा। ये हमारा ये है और ग्राहकों को हम सुविधा देते रहेंगे। और आज जो स्थापना दिवस है 125वां स्थापना दिवस, उसके लिए हमने हमीरपुर में एक रक्तदान शिविर की आयोजन किया हुआ है हमारे ऑफिस में। आज सवेरे डीसी मैडम ने आए थे वहाँ, उसको उद्घाटन किए हुए हैं और हमारा आशा है कि 100 से ज़्यादा लोग यहाँ रक्तदान करेंगे आज। उसमें हमारा स्टाफ भी रक्तदान कर रहे हैं, पब्लिक भी कोई भी आके रक्तदान कर सकते हैं, सब को हम स्वागत करते हैं। 4 बजे हमें नीचे ब्रांच में भी एक प्रोग्राम रखा हुआ है जिसमें हमारा स्टाफ और कस्टमर और पब्लिक, जनरल पब्लिक आएंगे, हम उनको भी बताएंगे कि बैंक के इतिहास के बारे में और फ्यूचर में क्या करने जा रहे हैं, ये सारे चीज़ बताएंगे। वैसे ही हमारा हर ब्रांच में सेलिब्रेशन चल रहा है, बहुत सारे ब्रांच में हेल्थ चेकअप करा रहे हैं, कुछ जगह जैसे ऊना में भी हमारा रक्तदान शिविर चल रहे हैं, हमने और कुछ मशीन्स भी डोनेट कर रहे हैं CRS के तहत, ये सब चल रहे हैं। और ये एक साल तक ये सेलिब्रेशन चलेगा, विभिन्न दिन में स्पेसिफाइड दिन है उसमें भी हमारा ये एक साल तक हम इसको मनाएंगे।